दोस्तों आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपके पास जो है मंत्रा का डिवाइस है और उसका सब्सक्रिप्शन जो है खत्म हो चुका है मतलब उसका रिचार्ज जो है खत्म हो चुका है आपके सामने जो है अगर आप मोबाइल फ़ोन में यूज कर रहे हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का एरर आ रहा है जहां पर देख सकते हैं सब्सक्रिप्शन एक्सपायर इसका जो है आपके पास एरर आ रहा है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है आपके मंत्रा डिवाइस का जो है रिचार्ज खत्म हो गया है आप जैसे ही उसे रिचार्ज करेंगे तो वो आपका जो है डिवाइस फिर से चालू हो जाएगा सो दोस्तों आपको रिचार्ज करने के लिए यहाँ पर दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है सबसे आपको यहाँ पर देख सकते हैं मॉडल नंबर और मॉडल नंबर और यहाँ पर सीरियल नंबर इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और जो है आप पेमेंट कर सकते हैं तो आप पेमेंट कैसे करेंगे इसके लिए आपको जो है इस वाले साइट पर आ जाना है इसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां पर आप क्लिक करके डायरेक्ट ही इस वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं लेकिन अगर आपको नए सिरे से खोलना है तो यहां पर आइए और यहां पर लिखिए मंथरा आर सर्विस आप चाहें तो यहाँ पर आर डी सर्विस लिख के पेमेंट करके आप सर्च कर सकते हैं यहां पर देख सकते हैं इतना करके हम एंटर करेंगे यहां पर हमें एक ऑप्शन मिलता है सर्विस का हम जो है इस पर क्लिक करेंगे फिर आप यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे आपको यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक लिखा हुआ है ऑप्शन मेड पेमेंट आपको जो है इसी बारे पर रीड मोर पर जो है क्लिक कर देना है आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर दो ऑप्शन uh, आ जाता है जहां पर हम जो है अपने अगर मंथा डिवाइस को रिचार्ज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर आर सर्विस पर क्लिक करेंगे इसके बाद हमें यहाँ पर कुछ डिटेल्स भरनी होगी अपने जैसे कि यहां पर हम अपने कंपनी का नाम आप चाहे तो यहां पर अपने दुकान का नाम भी डाल सकते हैं अगर आपका जनरल स्टोर है या किराने कुछ भी है तो आप यहां पर जो है वो भी ही डाल सकते हैं अब इसके बाद यहां पर जो है कांटेक्ट नंबर डाल दीजिए इसके बाद यहां पर एक मेल आई डाल दीजिए और फिर इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम यहाँ पर डाल देना है इसके बाद यहाँ पर अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो आप डाल सकते हैं वरना ये ऑप्शनल है आप इसे छोड़ सकते हैं और यहाँ पर जो है एप्लीकेंट का नाम नाम डालना बहुत ही ज़रूरी है इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर सीरियल नंबर डालना है ठीक है उसके बाद एड पर क्लिक करना है तो मैं आपको एक पहले तो ऊपर की सारी डिटेल्स भर लेता हूँ मैं यहाँ पर जो है कंपनी के नाम पर जो है दुकान का नाम जो है डाल लेते हैं देन यहाँ पर जो है हम मोबाइल नंबर डाल लेंगे यहाँ पर देख पा रहे हैं जी मेल डालने के बाद यहाँ पर जो है हम कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम लिख लेंगे इसके बाद जी नंबर को जो है हम छोड़ देंगे इसके बाद यहाँ पर कब, जो भी नाम है एप्लीकेंट का वो नाम यहाँ पर डालेंगे इसके बाद जो भी सीरियल नंबर है वो सीरियल नंबर डालने के लिए सीरियल नंबर डालने के लिए हम पहले जो है इस पर जो है सेलेक्ट करेंगे कौन सा हम करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें सीरियल नंबर डालने के लिए ऐड पर जो है क्लिक करना है इसके बाद जो भी सीरियल नंबर है तो वो आप जो है यहाँ पर डाल लीजिए सीरियल नंबर आपको कैसे पता चलेगा जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया नीचे आप देखेंगे एप्लीकेशन में तो सीरियल नंबर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है और मॉडल नंबर ये देखने को मिल जाता है तो जो भी सीरियल नंबर है वो सीरियल नंबर हम जो है यहाँ पर एंटर कर देंगे इतना करेंगे और ऐड बटन पर जो है हम क्लिक कर देंगे इसके बाद यहाँ से आपसे पूछा जाता है क्या आपका यह सब कुछ सही है तो हम जो है यहाँ पर ओके कर देते हैं यहाँ पर देख सकते हैं ऐड हो चुका है इसके बाद हम इसे क्लोज़ कर देंगे अब इसके बाद यहाँ पर हम एक बार जो है सीरियल नंबर को अच्छे से कन्फर्म कर लीजिए ताकि आपका गलत ना हो और यहाँ पर जो है हम सेलेक्ट करेंगे इसके बाद यहाँ पर सारा कुछ डिटेल्स जो है ऐड होके आ जाता है यहाँ पर देख सकते हैं हम स्टेट जो भी स्टेट है हम यहाँ से स्टेट को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं जिस भी स्टेट से हैं स्टेट सेलेक्ट कर लिए इसके बाद यहाँ पर क्या करना है आपको सिटी सेलेक्ट करना है जो भी आपका सिटी लगता हो वो आप यहाँ से जो है सेलेक्ट कर लीजिए इसके बाद यहाँ पर पोस्टल एड्रेस की एड्रेस कहाँ का है तो हम यहाँ पर जो है जो भी एड्रेस है हम वो यहाँ पर जो है लिख लेंगे यहाँ पर पोस्टल एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पर आर सर्विस पे पर ऑटोमेटिक ही आ जाता है जो भी इनका पिन कोड लगता होगा वो पिन कोड आप यहाँ पर जो है डाल लीजिए है ना तो आप यहाँ पर वो पिन कोड आप डाल सकते हैं जो वो आपके आधार कार्ड के बैक साइड पे लिखा रहता है वो पिन कोड वो आप यहाँ पर डाल लीजिए यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो है पिन कोड यहाँ पर डाल लिया अब इसके बाद पे हम जो है क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पर आपको जो है टर्म एंड कंडीशन को अच्छे से रीड कर लेना है और यहाँ पर जो है हम एक्सेप्ट के बटन पर क्लिक करेंगे इसके बाद ये हमें जो है लेके चला जाता है पेमेंट गेटवे पे तो आप जो है यहाँ पर जो है कई तरीकों के माध्यम से आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं तो हम जो है यहाँ पर यू का ऑप्शन लेंगे तो यहाँ पर जो है हम क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जनरेट क्यू आप यहाँ तो यहाँ पर फ़ोनपे गूगल पे पेटीएम क्रेडिट कार्ड भीम यू किसी के भी माध्यम से कर सकते हैं तो हम यहाँ जनरेट पे जो है क्लिक करेंगे इसके बाद हम अपने मोबाइल फ़ोन पर आएंगे और अपने किसी भी यू पी ऐप से मतलब फोन पे गूगल पे पेटीएम से जो है आप इसे स्कैनर को स्कैन करके और पेमेंट कर सकते हैं इसके बाद जो है आपका पेमेंट डन हो जाएगा तो हम जो है इसे फटाफट से कर लेते हैं जैसे ही आपने पेमेंट किया तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने इस तरीके से लोड लेगा तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है आपके सामने कुछ इस तरीके का स्लिप जो है आ जाता है आप इसकी स्लिप जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं तो ये डाउनलोड होके जो है आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाता है यहाँ पर देख सकते हैं आप इसे चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं वक्त की करने की ज़रूरत है नहीं ठीक है तो आपके सामने इस तरीके से आ जाता है सो so, दोस्तों आप इसी प्रकार से जो है मंत्रा डिवाइस को रिचार्ज कर सकते हैं अब आपका डिवाइस जो है हंड्रेड काम करेगा सो so, दोस्तों अगर आपको वीडियो जरा सा भी पसंद आया वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ तब तक, तक ले जय हिंद वंदे मातरम